तारीख 26 जून 1975। बीती रात पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत भारी रात गुजरी थी। रातों रात देश को इमरजेंसी में झोंक दिया गया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. सुबह सुबह तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी से मिलने उनके घर पर सारे मंत्री पहुंचे। ये सभी मंत्री इंदिरा के आवास पर बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे थे, लेकिन सबके चेहरे पर खौफ था। सबको सिर्फ 90 मिनट पहले इस मीटिंग की खबर मिली तो सब भागे भागे आ रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब से खौफ का भाव था। बियॉन्ड द लाइंस एंड ऑटोबायोग्राफी में वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि इस बैठक के बाद जब वो जगजीवन राम और आईबी चौहान से मिलने दोनों के घर पहुंचे तो दोनों बेहद सहमे हुए थे। उनमें चौहान तो मिलना ही नहीं चाहते थे। इन मंत्रियों से मिलने जाने वाले हर एक व्यक्ति की गाड़ी का नंबर नोट किया जा रहा था, जो अमूमन इससे पहले कभी नहीं होता था। कुलदीप नैयर ने लिखा है कि उनसे जगजीवन राम ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी का अंदेशा है और उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने फोन का रिसीवर तक उठाकर रख दिया था क्योंकि उन्हें फोन टैपिंग का डर था। कैबिनेट मीटिंग के दरमियान कर्ण सिंह और केसी पंत भी बेहद चिंतित थे। उन्होंने आपातकाल का विरोध भी किया था, लेकिन बाद में संजय गांधी के खौफ से दोनों इंदिरा का हुक्म मानने लगे। जब इंद्र कुमार गुजराल को आया था गुस्सा, इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी एक के बाद एक लोगों से जो चाहते वो करने पर उन्हें मजबूर कर देते। इस बीच संजय गांधी ने तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को भी फोन किया और प्रेस पर पाबंदी लगाने का हुक्म सुनाया, लेकिन संजय की बात सुनते ही इंद्र कुमार गुजराल आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि वो सरकार का हिस्सा है, कोई घरेलू नौकर नहीं। इसके बाद 28 जून को ही गुजराल का ट्रांसफर कर दिया गया और विद्याचरण शुक्ल को नया सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया।